कार्ड बनाते हैं उसका भी पोर्टल पर फोटो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पोर्टल लॉगिन करेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एंड जॉब कार्ड का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अपलोड फोटो का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको जो है गाँव का नाम चूज करना है, कौन से गाँव से आपका किस आवेदक का जो है फोटो अपडेट करना चाहते हैं, तो मैंने गाँव का नाम सिलेक्ट किया है। यहाँ पर उस गाँव से संबंधित सारे जॉब कार्ड्स के जो है रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर ओपन होते हैं, तो मैंने रिसेंटली अब जो जॉब कार्ड बनाया उसका सबसे नीचे मुझे जो है जॉब कार्ड नंबर मिलेगा, आप चाहें तो ऊपर से जिसका भी अपडेट करना चाहते हैं उस रजिस्ट्रेशन नंबर को चूज कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने चूज कर लिया है, जैसे चूज करूंगा तो उसका जो है यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपलोड एप्लीकेंट फोटो का ऑप्शन मिलता है, दो मेंबर्स है तो दो का अपलोड करना है, उससे ज्यादा भी तो आप अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको एक फैमिली फोटो अपलोड करना है, ठीक है दोस्तों। ये जो फोटो आप अपलोड करते हैं वो 30 यानी 30 KB से कम होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी फोटो अपलोड होता नहीं। तो यहाँ पर मैं अलग अलग करके फोटो अपलोड करता हूँ, पहले यहाँ पर मैंने अलग अलग करके इन दोनों का फोटो अपलोड कर दिया है, और यहाँ पर मैं एक के ज्वाइंट फैमिली फोटो भी अपलोड कर लेता हूँ। फोटो मैंने अपलोड कर लिया है, ठीक है दोस्तों, ये 30 KB से कम होना चाहिए, उसके बाद सेव फोटोज फोटो के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखिए आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फैमिली फोटो अपलोडेड भी हो चुका है आपका, और आपके जो है दोनों एप्लीकेंट्स के फोटो भी अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो यहाँ पर व्यू फोटो पर क्लिक करके भी इस फोटो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। कई बार इस सिस्टम की वजह से ओपन नहीं होता है तो आप यहाँ पर चेकआउट नहीं कर पाते, ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी जो है फोटो अपलोड हो चुकी है। इसके अलावा आप किसी और रजिस्ट्रेशन नंबर की फोटो अपलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अपनी जॉब कार्ड में जो है फैमिली फोटो और सिंगल फोटो आप अपलोड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं।